नमस्कार, स्वागत है मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है सुशीला केयर योर हेल्थ। आप मेरे चैनल में जब आते हैं, वीडियो को देखते हैं, तो आपको कई ऐसी बातें जानने और सीखने को मिलती हैं जो आपके लिए नया तो नहीं होता, लेकिन वो जानकारियाँ आपके लिए नई होती हैं। आप बहुत कुछ उसमें सीख पाते हैं कि बच्चों को किस प्रकार से रखा जाता है, गर्भवती महिलाओं को क्या परेशानी हो सकती है और उससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है, क्या सावधानियां बरती जा सकती हैं जिससे माँ और बच्चे दोनों स्वस्थ रहें, साथ ही कई और भी बीमारियां जिसकी जानकारी समय समय पर आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलती रहती है। मेरे YouTube चैनल में आपको सरकार द्वारा चलाए जा रहे कई योजनाओं के बारे में भी जानकारी मिलती है। आज की बात बिल्कुल आम लेकिन बेहद ही खास, क्योंकि यह हर घर की बात है। आज का ही वाक्य है, एक माँ आती है जिसका बच्चा जो है वह मुश्किल से 3 महीने का होगा। 3 माह के बच्चे को अपने गोद में लिए आती है और वह बताती है कि उसका दूध नहीं होता, वह बच्चे को गाय का दूध देती है। उसका कहना था कि बच्चे का पेट नहीं भरता, इस कारण गाय का दूध देना पड़ता है और वह बच्चा लगभग 1 केजी दूध पी जाता है। आप सोचिए, वह नन्हा सा बच्चा 1 केजी दूध पी जाता है, लेकिन उसका शरीर वैसा नहीं जैसा सिर्फ स्तनपान करने वाले बच्चे का होता है, बेहद ही दुबला पतला और कमज़ोर। मैंने जो सलाह उस माँ को दी, उस सलाह को आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यदि पसंद आए तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। मैंने उस माँ को बताया कि आप अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराएं। यदि आपका दूध नहीं बनता तो आज से ही बच्चे को 2-2 घंटे पर स्तनपान कराना सुनिश्चित करें। जो गाय का दूध आप बच्चे को देती हैं उसे आप स्वयं लें, साथ ही तब तक बच्चे को ऊपरी आहार ना दें जब तक कि बच्चा 6 माह का ना हो जाए। धीरे धीरे जब बच्चा चूसता है तो वह संकेत आपके नर्व को मिलता है और तब दूध उतरने लगता है, जिसे हम कहते हैं कि बच्चे के लिए भरपूर दूध माँ से हो जा रही है। कई फायदे हैं माँ को और बच्चे को। पहली बात कि माँ का जो यूट्रस है उसे सिकुड़ने में मदद मिलती है, साथ ही माँ को स्तन कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर से भी छुटकारा मिलता है, या फिर उसे होने की संभावना न के बराबर होती है। बच्चे का पेट भी भरता है और वह स्वस्थ भी रहता है, क्योंकि माँ के द्वारा लिए गए पूरक आहार आयरन कैल्शियम के रूप में जो ली जाती है वह बच्चे को दूध के द्वारा मिल जाती है। बच्चे को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व मिलते हैं, रोगों से लड़ने की प्रतिरोधक क्षमता मिलती है, साथ ही माँ और बच्चे का लगाव आपस में मजबूत होता है। माँ और बच्चे का लव अफेक्शन होने के कारण आगे चलकर जो वृद्धाश्रम की समस्या होती है वो ना के बराबर होती है, क्योंकि स्तनपान कराते वक्त माँ और बच्चे का खास और गहरा लगाव होता है। इन सब बातों को याद रखने से, इन बातों को अमल करने से कई फायदे हैं। यदि 6 माह तक माँ अपने बच्चे को सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराती है तो वह तुरंत गर्भधारण भी नहीं करती है, क्योंकि स्तनपान कराने से उसका हार्मोनल बैलेंस बना रहता है। वह मासिक दोबारा तुरंत से नहीं देखती है लगभग 6 माह तक, और जब मासिक नहीं देखती है यानी वह मेंस्ट्रुअल साइकिल उसकी जो होती है वह स्टार्ट नहीं होती है, और जब वह स्टार्ट नहीं होती है तो वह गर्भधारण भी नहीं करेगी। और इस विधि को लैम विधि कहते हैं, यानी लैक्टेशनल एमनोरिया मेथड, जिसमें जब माँ दूध पिलाती है अपने बच्चे को तो माँ की महावारी वापस नहीं आती है और 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ स्तनपान कराया जाए। जब ये 3 शर्त पूरी होती है तो वह लैम विधि पूरी होती है, यानी माँ लैम विधि का पालन कर रही होती है। इसमें से एक विधि भी अगर टूट जाए तो लैम को पालन करना नहीं कहलाएगा। तो देखा आपने कितना फ़ायदा है माँ को अपने बच्चे को
केवल स्तनपान कराने से। यानी यदि माँ केवल अपने बच्चे का स्तनपान कराए तो बच्चे का स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है, उसके वजन में भी वृद्धि होती है, माँ और बच्चे का लगाव भी जुड़ता है, साथ ही साथ बच्चा कम बीमार पड़ता है, उसमें रोग निरोधक क्षमता बढ़ जाती है। साथ ही माँ स्तन कैंसर और बच्चेदानी के कैंसर से हम ये कह सकते हैं कि छुटकारा पाती है या उसकी संभावना न के बराबर होती है। इन सभी फायदों को देखते हुए यदि माँ अपने नन्हे से बच्चे को 6 माह तक केवल और केवल स्तनपान कराए तो बच्चा का वजन तो बढ़ता ही है, साथ ही साथ बच्चा रोग मुक्त रहता है और माँ को भी इससे फायदा मिलता है। कैसी लगी यह वीडियो आपको, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके और वह भी स्तनपान के फायदे को जान सके। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।